नमस्कार दोस्तों, सन 2018 30 जनवरी को जो चंद्र ग्रहण पड़ा था रात्रि में, उस चंद्र ग्रहण के चलते और उस चंद्र ग्रहण के चलते तो वो जो चंद्र ग्रहण है वो कर्क राशि में पड़ा था। इसके अलावा उस कर्क राशि पर इन दिनों अभी राहु का भी संक्रमण हो रहा है। उसके चलते इस दुनिया में जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को ये तकलीफ रहेगी कि उनको जैसे निवास परिवर्तन हो जाना या स्थानांतरण हो जाना या जैसी किसी भी काम में जैसी सफलता मिलनी चाहिए न मिलना, काम में रुकावटें, अड़चने, परेशानियों का बढ़ जाना, कहीं परिवार में बाहर में विरोध क्लेश टेंशन का हो जाना, कहीं हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, गिर जाना या है कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह की तकलीफ जितने भी कर्क लग्न वाले और कर्क राशि वाले हैं उनको रहेगी। तो मेरे मित्रों, चूंकि चंद्र ग्रहण 30 जनवरी 2018 को लगा था, तो उसके चलते ये जो तकलीफ है, और राहु जो है कर्क राशि में यही कोई मैक्सिमम नियर अबाउट 15 मार्च 2019 तक रहेगा। इसके चलते ये 30 जनवरी 2018 से लेकर के 15 मार्च 2019 तक कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को कुछ न कुछ तकलीफ रहेगी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस तकलीफ से उबरने के लिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी कर्क राशि हैं, कर्क लग्न वाले हैं, उनको रात्रि रात्रि में राहु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो ड्रिंक करते हैं उनको चाहिए कि रात्रि में ड्रिंक ना करें, और इस तकलीफ से बचने के लिए कर्क लग्न कर्क राशि वालों को इस तकलीफ से बचने के लिए एक सलाह ये भी है कि हनुमान जी महाराज को जो चमेली तेल और बंधन का चोला लगता है, जो हनुमान जी को जो मंदिर में उनकी मूर्ति में जो कलर लगता है उसको हम लोग बंधन बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं, तो वो जो कलर लगता है उनको वो वही लगाने का है जिसको हम लोग चोला बोलते हैं। तो ये जो चोला है वो चमेली तेल से लगाने का है। चमेली तेल और सिंदूर को घोल लिए, उसको घोल बना लिए, उसके बाद उनकी मूर्ति में ये लगाने का है। तो ये मेरे मित्रों, ये आप 7 शनिवार करिए, 7 शनिवार यदि आप ये करेंगे तो आपकी जो भी तकलीफ है, परेशानी है, इसमें आपको सुधार, क्या कहना चाहिए, राहत की अनुभूति हो जाएगी। नमस्कार।